बताया था कि इंडिविजुअल रो फंक्शंस क्या होते हैं जो सिंगल रो पे काम करते हैं, सिंगल रिजल्ट देते हैं. सो दे वर्क ऑन अ सिंगल वैल्यू एंड दे गिव अ सिंगल आउटपुट. ठीक है, अब हमने मैथ से रिलेटेड फंक्शंस पिछली क्लास में किए थे. अब आते हैं आपके डेट से रिलेटेड फंक्शंस कौन कौन से हैं. सो डेट क्या होती है, जैसे आज की डेट है, आज है 28 मार्च, है ना. सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि माई एस क्यू एल में जो डेट है उसका फॉर्मैट होता है YYYY MMDD. सो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉर्मैट ऑफ डेट इन माई एस क्यू एल. तो अगर मुझे आज की डेट लिखनी है तो मैं लिखूंगी 2022, मंथ है 03 और डे है 28. ठीक है, सो दिस विल बी द डेट फॉर टुडे, 2022 03 28. और अगर इसके साथ टाइम भी आ रहा होगा तो अभी हुआ है 5:48 और यहाँ पे जो भी सेकेंड्स हैं वो आ जाएंगे. सो दिस विल बी डेट एंड टाइम बोथ. पर अगर आप माई एस क्यू एल यूज़ कर रहे हो और आप आज की डेट और टाइम को देखना चाहते हो कि है क्या, वॉट इज़ द डेट एंड टाइम टुडे, तो हम वहाँ पर क्या लिख सकते हैं. तो हम वहाँ पर कमांड लिख सकते हैं सिलेक्ट नाउ. सो इफ आई राइट सिलेक्ट नाउ तो ये दिखाएगा कि अभी अभी की करंट डेट और टाइम क्या है. सो इट विल शो यू द करंट डेट एंड टाइम. सेम थिंग आपके पास आ जाएगी सिस डेट लिखने से भी. केस इनसेंसिटिव है तो स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है. ठीक है, सो आप चाहे नाउ लिखो या सिस डेट लिखो, दोनों का आंसर सेम आएगा. सो इट विल शो करंट डेट एज वेल एज टाइम. सो करंट डेट एंड टाइम, तो ये दोनों चीज़ों को शो करेगा. इट विल शो करंट डेट एंड टाइम. अब अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ लेता है कि इसमें क्या है, तो प्रैक्टिकली तो शायद ही आपको कभी कोई डिफरेंस दिखे, बट थ्योरेटिकली डिफरेंस ये है कि नाउ शोज द डेट एंड टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द क्वेरी, कि जिस टाइम पर आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई उस टाइम पर डेट और टाइम क्या था. वेर एज सिस डेट गिव्स यू वेन द क्वेरी वॉज गिवन. सो जिस टाइम पर क्वेरी दी गई उस टाइम का डेट एंड टाइम क्या था. तो हार्डली मैटर्स क्योंकि आपकी क्वेरी 0.0 सेकेंड्स में एग्जीक्यूट हो जाती है, इतना फास्ट होता है, तो कोई डिफरेंस आपको खास इसमें दिखेगा नहीं. बट दैट इज़ द डिफरेंस एंड इट इज़ रेयरली आस्क्ड. प्रैक्टिकल वाइवा में पूछ सकते हैं, पेपर में नहीं आएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, अगर आपको सिर्फ 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 डेट देखनी है, ठीक है, सिर्फ डेट देखनी है, तो आप लिखेंगे सिलेक्ट करंट अंडरस्कोर डेट, या फिर आप लिख सकते हो सिलेक्ट CURDATE कर डेट. ठीक है, तो आप ये लिखो कर डेट या फिर करंट अंडरस्कोर डेट, तो ये सिर्फ डेट दिखाएगा, टाइम नहीं दिखाएगा. सो इट विल शो ओनली दी करंट डेट. तो आज की जो भी डेट होगी आपके कंप्यूटर पे जो भी सेट हुई हुई है वो उस डेट को शो कर देगा विदाउट टाइम एंड द फॉर्मेट विल बी ईयर मंथ डे. ठीक है, सो ये तो हो गए फंक्शन जिससे हम करंट डेट एंड टाइम देख सकते हैं. अब इसके आगे बहुत ही सिंपल फंक्शंस हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर लिखते हो डेट और यहाँ पर कोई डेट लिख देते हो, मान लो कोई भी डेट लिख दी मैंने, 25 मार्च लिख दी. ठीक है, तो इसकी डेट में क्या आंसर आएगा, 25. सो इसकी जो डेट है वो क्या है, 25. सॉरी, डेट में आपका पूरा का पूरा आएगा, डेट विल बी द कम्प्लीट थिंग, इट विल शो द कम्प्लीट डेट. लेकिन अगर आप सिर्फ डे कर रहे हो डे, तो आपके पास सिर्फ 25 आएगा. सो इसका डे क्या है, 25. अगर आप मंथ लिखते हो डेट के आगे, सो इट विल शो यू द मंथ विच इज 3. अगर आप ईयर लिखते हो तो आपको सिर्फ ईयर देगा, दैट इज 2022. तो अगर मैं डे यूज करती हूँ तो वो पूरी डेट में से मुझे सिर्फ दिन निकाल के दे देता है. अगर मैं मंथ यूज करती हूँ तो सिर्फ मंथ निकाल के दे देता है. अगर ईयर यूज करते हो तो वो आपको ईयर निकाल के दे देता है. सो दैट इज़ हाउ यू गेट डे मंथ एंड ईयर, ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है. ठीक है, सो ये तो हो गया डे मंथ और ईयर किस तरीके से हम फेच कर सकते हैं. सो वेरी सिंपल कमांड्स. इसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है डे ऑफ वीक, डे ऑफ मंथ एंड डे ऑफ ईयर. सो ये तीन फंक्शंस जो हैं, डे ऑफ वीक, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ ईयर, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है जनरली, या तो डेट्स में डिफरेंस पूछ लेते हैं या फिर आपको कोई क्वेश्चन लिख के दिया होगा और आपको उसका आउटपुट बताना होगा. जैसे कि डे ऑफ वीक है, ठीक है, डे ऑफ वीक अगर मैं नाउ कर देती हूँ तो मैंने लिखा सिलेक्ट डे ऑफ वीक नाउ. अब आज क्या है, आज है सोमवार. ठीक है, सो डे ऑफ वीक एसक्यूएल में संडे से शुरू होते हैं, तो संडे आपका डे 1 है, मंडे डे 2 है. तो सिंस आज मंडे है, मंडे है इसलिए 2 आएगा. ठीक है, सो डे ऑफ वीक विल बी 2.
डे ऑफ मंथ अगर हम आज का देखते हैं, आज की डेट मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ ताकि वीडियो अगर आप कभी किसी और दिन भी देख रहे हो सो यू शुड नो कि ये कौन सी डेट की वीडियो है. सो दिस इज 28th मार्च मंडे. सो डे ऑफ वीक विल गिव यू 2, डे ऑफ मंथ विल गिव यू 28 क्योंकि आज 28 तारीख है. सो डे ऑफ मंथ नाउ विल गिव मी 28 बिकॉज 28 तारीख है. डे ऑफ ईयर नाउ अगर हम लिखते हैं सो दैट विल गिव अस व्हाट. यहाँ पर आती है अब थोड़ी कैलकुलेशन. डे ऑफ ईयर साल का आज कौन सा दिन है. साल में टोटल 365 दिन होते हैं तो आज की डेट तक पहुँचने के लिए 31 दिन निकल गए जनवरी के, 28 दिन निकल गए फरवरी के और ये 28वां दिन है मार्च का. सो 8, 8, 8, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ये अब हमारा क्या बनता है 87th डे ऑफ द ईयर. तो साल का 87th डे है. वैसे जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली जनवरी या फेब की डेट ही दी होती है, इतनी आगे की नहीं देते और बीच वाले मंथ्स की तो बिल्कुल भी नहीं देते. ठीक है, सो ये आपको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर ऐसे पूछ लिया जाता है तो. सो डे ऑफ वीक हो गया, डे ऑफ मंथ हो गया एंड डे ऑफ ईयर हो गया. ठीक है, क्लियर. सो इस तरीके से हम डे ऑफ वीक, मंथ और ईयर निकाल सकते हैं. तो ऐसे ही हमारे पास डे नेम और मंथ नेम भी दो फंक्शंस हैं. सो दो और फंक्शंस हैं जिससे आप डे का नाम देख सकते हो या मंथ का नाम देख सकते हो. सो अगर आप लिखते हो सिलेक्ट डे नेम ब्रैकेट में नाउ तो ये आपको क्या शो करेगा, मंडे. सो इट विल शो यू द डे. ठीक है, सिमिलर वे अगर आप डे नेम की जगह मंथ नेम यूज करते हो सो मंथ नेम नाउ करोगे, नाउ करो, सिस डेट करो, कर डेट करो, करंट डेट करो, जो मर्जी करो तो इट विल शो यू मार्च. सो 03 नहीं दिखाएगा, मार्च दिखाएगा क्योंकि मंथ का नाम मार्च है. सो जब भी हमें नाम देखने हो, डे नेम, मंथ नेम, तो वो फंक्शन का नाम ही डे नेम और मंथ नेम होगा. ठीक है, सो ये सारे फंक्शंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि ये कौन सा फंक्शन क्या करता है क्योंकि इसमें से कुछ भी आपको आउटपुट के लिए पूछा जा सकता है. सो नाउ एंड सिस डेट विच गिव्स यू द करंट डेट एंड टाइम बोथ, करंट डेट एंड कर डेट जो आपको सिर्फ डेट देती हैं, टाइम नहीं देती. इसके अलावा डे से सिर्फ डे का नंबर आ जाएगा, मंथ से सिर्फ मंथ का नंबर आ जाएगा, ईयर से सिर्फ ईयर का नंबर आ जाएगा, डे नेम से डे का नाम आ जाएगा, मंथ नेम से मंथ का नाम आ जाएगा. ठीक है, डे ऑफ वीक से वीक का कौन सा दिन है वो आ जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, संडे शुड बी टेकन एज वन. डे ऑफ मंथ पूछ सकते हैं, डे ऑफ ईयर पूछ सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर फंक्शंस जो डेट फंक्शंस में आपको याद रहने चाहिए जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं. सो दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, तो आपको याद होना चाहिए. ठीक है, इनका क्या क्या पर्पस है, ये क्या रिटर्न करते हैं, किस तरह से काम करते हैं. क्वेरी में लगाने के लिए भी आ सकता है. जैसे मान लो कि एक आपको टेबल दिया हुआ है जिसमें प्रोडक्ट्स का डेटा है. अब प्रोडक्ट्स के डेटा में बताया हुआ है कि भाई डेट ऑफ परचेज जो है, ठीक है, डेट ऑफ परचेज जो है वो ये है. फिर यहाँ पर दे दिया कि वारंटी डेट यहाँ तक की है, तो वो वाले सारे प्रोडक्ट्स दिखाओ जिनकी अभी वारंटी एक्सपायर नहीं हुई है, मतलब जिनकी डेट ऑफ परचेज जो है प्लस वारंटी. ठीक है, वारंटी डेट नहीं होगी, वारंटी अगर वारंटी डेट है तो आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तब तो आपकी कंडीशन ये बन जाएगी कि भाई अगर वारंटी डेट जो है वो अभी बड़ी है सिस डेट से, सिस डेट मतलब आज की डेट से, तो अगर वारंटी डेट सिस डेट से बड़ी है तो मतलब अभी वारंटी एक्सपायर नहीं हुई, अभी वारंटी में है ना. और अगर वारंटी डेट फॉर्मेट में नहीं दी हुई, वारंटी ईयर में दी हुई है या नंबर ऑफ डेज में दी हुई है, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं डेट ऑफ परचेज में. सो डेट ऑफ परचेज प्लस वारंटी अगर अभी भी सिस डेट से कम है, दैट मीन्स आप अभी भी वारंटी पीरियड में हो, अदरवाइज वारंटी पीरियड ओवर हो गया है. तो इस तरह की कंडीशन में भी आ सकता है कि चेक करके बताओ कि कौन वारंटी पीरियड में है, कौन नहीं है. ठीक है, ऐसे आ सकता है कि वो सारे स्टूडेंट्स बताओ जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है. अब मेरे पास तो लेकिन एज नाम का कॉलम ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ या फिर सिस डेट माइनस DOB. इससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज जो भी है आज और उसके बर्थ डेट में, उसको डिवाइड कर लेंगे 365 से अगर वो 18 से ज़्यादा है ना. सो एज इज मोर देन 18 ईयर्स, तो
तो वो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि दोनों डेट्स के बीच में डिफरेंस निकाल लो, उसको 365 से डिवाइड कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल हुए हैं, और वो अगर 18 से ज़्यादा है तो भाई उसकी एज 18 से ज़्यादा है, अदरवाइज नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको बकायदा कराई